जी व्यूअर्स, ये देखें आप, हमारी जो यखनी है वो रेडी हो गई है। 80% हमारा मीट भी कुक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, चेक भी हमने कर लिया है अच्छे से इसको, ये गल चुका है। जी व्यूअर्स, हमने अपनी यखनी को भी रेडी कर लिया है और अब हमने राइस के लिए जो चीज़ें लेनी थी, ये राइस के लिए हमने गरम मसाला निकाला है। हरी मिर्चें 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया है, बादियन फूल है, 2 तेज़पात हैं, 5 हरी इलायची है और 2 बड़ी इलायची हैं और 2 स्टिक्स हमने ली हैं दालचीनी की। और ये 1 चम्मच हमारा लहसुन अदरक है जिसको हमने मिक्स किया हुआ है। और ये हरी मिर्चें हैं 8 से 10। और ये हमारा योगर्ट है 4 चम्मच जितना। और ये 2 प्याज हमने कटिंग कर ली हैं। आइए चलते हैं चावलों की तरफ। यखनी हमने रेडी करके निकाल ली एक साइड पे। ऑयल कम जाएगा इसलिए ना, बीफ का ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल कम यूज होगा। ये वैसे 1 कप छोटा जो जितना होता है उतना हमने यूज किया है। एक प्याली आप लगा लें अपने हिसाब से, आप देखिएगा जितना आप बना रहे हो उस हिसाब से आप ऑयल ले सकते हैं। अब हमारी अनियन जा रही है इसमें, 2 प्याज थे तो हमने कटिंग करके रख लिया था, गरम मसाले भी निकाल चुकी हूँ। ज़्यादा ऑनियन ज़्यादा ना लाल नहीं करना, क्योंकि वाइट है ना ये। जी प्याज को आपने ध्यान में रखना है कि इसका कलर ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन रखना है क्योंकि ये वाइट पुलाव है। हमने यखनी बना ली थी और मीट भी अलग कर लिया है और गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त गला है। 80% हमने इसको गलाना था जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्ट में ही। और अब हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, इसको हिलाते रहें ताकि ये एक जैसा फ्राई हो, कहीं से ज़्यादा डार्क कहीं से ज़्यादा लाइट ना रह जाए। एक जैसा फ्राई होता है जब आप चमचा चलाते रहेंगे। लंबी प्याज हमारा हो रहा है, प्याज पिंक हो गया हमारा, बस हल्का सा कलर इसका और चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, लाइट लाइट सा रखेंगे। जी व्यूअर्स, अब अपने सारे गरम मसाले जो है वो इसमें शामिल कर देंगे जो मैं आपको दिखा चुकी थी। ये देखिए ये सारे चले गए, ये खुशबू ही बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें शामिल हो जाएगा हमारा लहसुन और अदरक जो कि 1 चम्मच हमने लिया था। चलिए लहसुन अदरक चला गया। आप देखिए हमने प्याज को गुलाबी ही रखा है, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया, इसलिए इसका नाम है वाइट लॉ। ये वाइट फ्राई भी अच्छा लगता है। अब जाएगा हमारा 5 मिनट बनाई हो गई, अब भुनाई हो चुकी है, अब हमारा मीट जा रहा है यखनी वाला। अभी थोड़ा भुनाई होगी, अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जी व्यूअर्स, हमारी अब मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें तीखी वाली जो तेज होती है हम लोग यही यूज करते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा। ये हरी मिर्च काफ़ी हो गई ना काफ़ी, ये देखें व्यूअर्स। अब हमारी शामिल हो रही है योगर्ट, ये हमारा दही चला गया, अब उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई मिर्चें नहीं जाएंगी, किसी भी कोई इसमें मिर्चें नहीं जाती सिवाय हरी मिर्चें, साबुत जाती हैं। एक चम्मच दही
एक चम्मच हमारा यखनी में सॉल्ट गया था, अब एक चम्मच हमारा चावलों में जा रहा है। जी व्यूअर्स, इसकी अच्छे से बुनाई हमने कर ली है, यकीन जाने इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। जाफिल जावित्री आधा चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं, मोटा मोटा फूट लिया था इसको। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो हमने इसमें शामिल करते कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। और अब इसमें शामिल हो जाएगी हमारी यखनी जो कि हमने बना ली थी। 4 कप पानी डाला था और 2 कप रह गई थी। ये यखनी हमारी जा चुकी है, जी व्यूअर्स हमारे चावल भी इसमें शामिल हो गए जो कि 1 kg जितने थे। 1 kg या थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। जी व्यूअर्स, चावल हमारे जा चुके हैं, तो हम इसमें डाल रहे हैं पानी, 3 गिलास 4 गिलास जितना इसमें पानी जाएगा, और इसको हम अब कवर कर देंगे। व्यूअर्स ये देखें, पानी हमारा काफ़ी खुश्क हो चुका है, वाइट प्लाव जो है वो बस अब रेडी होने वाला है। तो दम पे रखेंगे ना? इसको हमने रखना है दम पे। जी व्यूअर्स, हमें थोड़ा सा सॉल्ट अपने चावलों में कम लग रहा था, आप चेक करके बनाइए। इसमें हमने हसब ज़रूरत अपना थोड़ा सा सॉल्ट इसमें शामिल कर दिया है, और अब हम इसे कवर करने लगे हैं, दम पे रखने लगे हैं 15 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए। फिर मैं आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, दम लग चुका है, अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे वाइट बीफ पुलाव का फाइनल लुक है, बहुत मज़ेदार बना है, आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें। आज हमारे यहाँ ये बना है 3rd ईद को, और ये साथ में हमने खट्टी मीठी चटनी बनाई है, पुदीने की सलाद है, और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।